आकाशदीप साबर में आपके पास रुक करते हुए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का अक्सर आपने पक्ष रखा है टीवी चैनल के जरिए, खुद रिया एक भी बार सामने नहीं आए, अपना वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी बात जरूर रखी थी सत्यमेव जयते कहते हुए, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, और सबसे महत्वपूर्ण ये, महेश भट्ट से जो बातचीत उन्होंने की उसका आधार क्या रहा, केंद्र में कौन था, और दूसरी चीज कि आपने सुशांत का घर छोड़ा उस पर तीन बयान रिया की ओर से दिए गए। पहला ये कहा गया कि दरअसल सुशांत की बहन रहने आ रही है तो सुशांत की मर्जी से ही मैंने घर छोड़ा था, लेकिन महेश भट्ट साहब के साथ जो बातचीत है वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि दरअसल उन्होंने अपने रिश्ते को ब्रेक किया और उसके बाद वो निकल गई, जिसके बाद महेश भट्ट उन्हें इस बारे में कहते हैं कि देखो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती के ही बयान को एक दूसरे में उलझा देती हैं, और इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो वही है कि एक के बाद एक उन्होंने जो बयान अपने दिए लेकिन उसमें झूठ का भी सहारा लिया गया है रिया चक्रवर्ती की ओर से। चित्रा, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करूं कि मैंने कभी किसी डिबेट पे ये नहीं कहा कि रिया इनोसेंट है। मैंने सिर्फ एक मुद्दे पे डे वन से स्टैंड लिया है कि बॉलीवुड की नेपोटिज्म या चार फिल्मी फैमिलीज ने मिलकर इसका मर्डर प्लान किया, ये इसका खंडन किया और आज तक करता हूं, और देख लीजिए अभी तक इतने वरिष्ठ लोगों ने बात की है, अब धीरे धीरे बॉलीवुड का नाम ही निकल रहा है। चलिए रही बात रिया की, अब क्या हो गया है चित्रा, वी आर नाउ रिएक्टिंग, अब हम अपनी टिप्पणी देते हैं जब कोई नया एविडेंस आता है। अगर मैं ये डिसाइड करके बैठूं कि भाई रिया इनोसेंट है तो आप कुछ भी बोलो मैं बोलता रहूंगा, हम जैसे कल किसी ने कहा आई लव यू बाबू, उसने कहा डेड बॉडी पर, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें गलती है। इसका मतलब नहीं कि मैं रिया को क्लीन चिट दे रहा हूं, मुद्दा जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है उस पे हम रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली। रही बात आपके सवालों की, आई एम सॉरी बाबू तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता, वो उसका मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी डबल मीनिंग और इनुएंडोज ढूंढे जा रहे तो लिमिट है। फिर दूसरी बात, महेश भट्ट के साथ उनकी सवाल ये है, मैं एक मिनट खत्म करूं, मेरा थॉट ब्रेक हो रहा है। आपने 8 तारीख को उनका घर छोड़ दिया, आप परिवार के बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हो जो उनके साथ थे, आप सुशांत से बातचीत नहीं करते हो, फोन ब्लॉक कर देते हो, परिवार वालों को अलग रखते हो। सीधी बात है चित्रा, जो सीधी बात है वो आपको दिखती नहीं, आप लोग सब थर्ड डायमेंशन पकड़ते हो। एक लवर के साथ आपका झगड़ा हुआ, आप अलग हो गए, सडनली वो मर गया, तो आप आके वो सॉरी शायद आप इसलिए बोल रहे हो कि आप थे नहीं, क्योंकि आपका एक झगड़ा हुआ आप गए और पीछे से ये हो गया। हो सकता है झगड़ा होने के बाद में पैचअप भी हो जाए कि आपने कभी ऐसा सुना नहीं था लवर्स का, लेकिन ये हादसा हो गया तो वो आई एम सॉरी हालात के लिए बोल रही है, जाने की वजह से बोल रही है, मर्डर की वजह से बोल रही है, ये बोलने का मतलब है आप लोग तो बहुत जल्दी में उसको फांसी देने के लिए, अगर वो गुनेगार है दे दो। बट ओके, अब मुझे अपना थॉट, अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। जहां तक आपने कहा भट्ट साहब और इसकी बातें, कहीं भी ये फीलिंग नहीं आ रही है कि कोई भट्ट साहब इसके पीछे थे या प्लान में थे। जब वो अलग हुई सुशांत से और अपने मेंटोर, अब तो ये साबित हो रहा है उन चैट से कि भट्ट साहब को वो अपना गुरु मेंटोर मानती थी, तो उनसे कंसल्टेशन करती थी, और भट्ट साहब का इमेज भी वैसा है, वो यूजी कृष्णमूर्ति रजनी जो एक उसको उनसे ना कई लोग एडवाइस लेते हैं, हो जाता है एक कुछ फिगर्स बॉलीवुड में ऐसे हो जाते हैं जिनसे लोग एडवाइस लेते हैं, भट्ट साहब वैसे थे। तो ये एडवाइस अगर चैट आपस में हो रही है और भट्ट साहब को वो कहती है कि मेरा मैं अलग हो गई हूँ, मैं छोड़ के आ गई हूँ, और वो कहता है अभी पीछे मुड़ के मत देख, हो सकता है उनका ये मतलब है कि करियर पे फोकस कर या एक्स या वाई या जेड। कॉन्वर्सेशंस रिया और महेश भट्ट के बीच के जो है उनको आप समझ, और आप इसीलिए कह रहे हो कि डिफरेंट है। रिया ने भट्ट साहब और उनकी कॉन्वर्सेशंस जो की है वो भट्ट साहब और उनके दो दोस्तों के बीच में है या मेंटोर और शिष्य के बीच में है, इसको आप हर एविडेंस झूठा के यहाँ कुछ बोला वहां कुछ बोला, भट्ट साहब और वो दो लोग कुछ भी बात करें, आकाशदीप जी कुछ भी बात करें। अगर हम पहले ये बयान दें कि दरअसल सुशांत की बहन रहने आने वाली थी, इस वजह से हमने घर छोड़ा क्योंकि सुशांत ने कहा था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, और फिर ये जो महेश भट्ट के साथ उनका जो चैट सामने आया है वो ये बताता है कि इन्होंने खुद फैसला लेते हुए घर छोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद वो निकल गए, और बाद में महेश भट्ट को जानकारी देते हैं। सर अब तक जो देखिए अब तक जो जांच चल रही है आकाशदीप जी, पहले जो आपने बोला उसको प्रूव कीजिए, कहां चैट में लिखा है कि बिना मतलब मैं छोड़ के जा रही हूँ, बताइए ना मुझे। एक सेकंड आकाशदीप जी, एक सेकंड, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले उनकी ओर से, एक सेकंड आकाशदीप जी आप मामले को घुमाइए मत,
मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने कहा उनकी बहन आ रही है घर पर, इस वजह से तुम चली जाओ, सुशांत की बर्थडे के बाद ये फैसला हुआ, यानी कि रिश्ता तोड़ने की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं थी। और बाद में जो चैट सामने आता है उसमें एक सेकंड, बाद में जो चैट सामने आता है उसमें क्या रहता है, तो दोनों दोनों चीजें दो अलग अलग बातें हुई कि नहीं हुई? आकाशदीप जी, जो आपने बातें कही है नासिर अब्दुल्ला, ठीक है मैं लौटूंगी, सब बाद में दिया है बयान, उस दिन का 14 तारीख का ये बयान नहीं है, ये बाद में दिया गया बयान है। नासिर अब्दुल्ला जी, क्या आप भी आकाशदीप की बातों से सहमत हैं? मैं हर बात पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आकाशदीप साहब की, मैं उनके साथ 100% उनके साथ हूँ कि जब रिया ने सुशांत की डेड बॉडी को देखा और उन्होंने कहा आई एम सॉरी बाबू, बिल्कुल ठीक है, सही है, सब कहते हैं, जब भी किसी का देहांत हुआ है मेरे सामने, मेरी जानकारी में, तो उन सबसे, चाहे उस इंसान से मैं नफरत करूँ, घृणा करूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ आई एम सॉरी टू हियर दिस अबाउट हर और द मदर और द फादर हु पास्ड अवे, ठीक है, इट्स ओके। तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि ये क्यों कह दिया, आई एम सॉरी का मतलब है कि उसने ज़रूर कुछ हेरा फेरी की है और माफ़ी मांग रही है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अब जो महेश भट्ट साहब के साथ जो कॉन्वर्सेशन सुनने में आ रही है उससे मालूम होगी बहुत सारी बातें, क्योंकि महेश जी को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें उनके बारे में मालूम थी, उनके रिश्ते के बारे में मालूम थी, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक ये के बात नहीं की होगी, लेकिन अब आ गया है कि प्राइवेट मामला था, शेयर कर रहे थे एक दूसरे से और महेश भट्ट उनको इनकरेज कर रहे थे, उत्साह नहीं रहे थे, इनकरेज कर रहे कि भाई ठीक है, तो इसका मतलब कि महेश भट्ट जी को बहुत कुछ मालूम है और सुशांत के साथ क्या हो रहा था, हो सकता है, मैं सीबीआई से दरख्वास्त करूंगा कि ऑल्सो दे शुड इन्वेस्टिगेट, उनको इन्वेस्टिगेट ये भी करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा था कि ड्रग्स का मामला था, डिप्रेशन था, प्रॉब्लम था, क्योंकि एक हीलर साहब हैं जो थाने में रहते हैं, 70 साल के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो अपने हाथों के जरिए इंसान में ऊर्जा डालते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था और वो तैयार हैं सीबीआई को बताने के लिए कि क्या होता है उनके हाथों में, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि मैं नास्तिक हूँ मगर मेरे हाथों में यह है और उन्होंने सुशांत को हेल्प किया, और ऐसे लोग हैं, मैं मिल चुका हूं, ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये जो मतलब ये कि गिफ्ट है, तो ये सारी बातें देखनी चाहिए क्या हालात थे, हो सकता है कि सुशांत जी के साथ बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ड्रग वाले जो लोग हैं उन्होंने इनको फंसाया हो, इन्होंने वो इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, 10 और बातें हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई है, शुरू क्या, सॉरी मैंने कहा कि आप इस पूरे मामले को एक नया ही एंगल दे रहे हैं, तो क्या हो गया अगर होता है तो देखिए, शुरू में कंगना ने दिया था रहना, तो सब वही कर रहे थे, सब वही बात कर रहे थे, नेपोटिज्म, अब क्या हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा, कंगना ने नया रुख दिया था, कहां गया वो रुख, अब कुछ और है, अब रिया का मामला है, अब शक की सुई रिया पे जाती है और उनकी फैमिली पे जाती है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है, और जो पुलिस वाले हर चीज को देखेंगे, और वो जो अगर कोई ऐसे डॉक्टर थे मानसिक वो भी मिलेंगे, नहीं सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यूं जा रहा है केस, यूं जा रहा है, अभी तक सांप की तरह ऐसे जा रहा है, कभी कुछ नई बातें आ रही हैं, तो सब कुछ मालूम होने का अंदेशा है, और महेश भट्ट जी के जरिए बहुत कुछ, ये कि सुशांत सिंह की पर्सनल लाइफ, पर्सनल उनके जो भी प्रॉब्लम थे उनके बारे में मालूम हो जाएगा, जिससे वो फिर आगे अच्छी तरह बढ़ पाएंगे,